नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहरा सोनभद्र। आज आपके बीच बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग के पेपर से यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फोर्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल्स कंट्रोल का है। आज हम लोग मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और अगर हम मेथड्स और टेक्निक्स को देखें तो ढेर सारे हैं, लेकिन उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उदाहरण द्वारा उसके तकनीक को जाने, उसकी विधियों को जाने और किस तरह से वो काम करते हैं, इस पे आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो अगर हम जो मेथड्स हैं, तकनीक हैं, उसकी बात करें तो बशकरी तकनीक एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो कि किसी भी मटेरियल कंट्रोल के लिए बहुत लाभदायक है कि हम किस तरह से अपने बजट को तीन आधारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कि चुनिंदा जो कंट्रोल टेक्निक्स, हम किस तरह से सेलेक्टिव हैं, चुनिंदा होते हैं सामग्री के मामले में। और मितव्ययी आदेश मात्रा, जो कि हमारा न्यूमेरिकल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एग्जाम के भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री की विधि विभिन्न सीमाओं व स्तरों को निर्धारित करने की पद्धति, जो लेबल्स हैं, डिटर्मिनेशन के लिमिट्स हैं, वो किस तरह से निर्धारित होती हैं किसी भी मटेरियल का। और निरंतर स्टॉक के परीक्षण की विधियां क्या है, ये भी हम जानेंगे आज। स्टॉक की धीमी गति से खपत का ज्ञान हमें होना चाहिए कि किस तरह से वो खपत का स्पीड क्या है जो स्टॉक को कंज्यूम हो रही है, जो स्टॉक हमारे प्रोडक्ट सामग्री है उसकी स्पीड में धीमी गति का क्या रोल है और क्यों ऐसा होता है। नियंत्रण अनुपात, कंट्रोल रेशियो। तो आइए हम चलते हैं इन सब बिंदुओं पे, आज हम चर्चा करेंगे आपके बीच। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करने जा रहे हैं बशकरी के तकनीक के बारे में, ये किस तरह से काम करता है। बशकरी नियंत्रण तकनीक, ये कच्ची सामग्री का जो स्टॉक है उसको क्रय करने और उसके मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। या ये इसलिए होता है ताकि वो क्रय का बजट बना सके। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखने की आवश्यकता होती है। वो पॉइंट्स हैं कंपनी के पास का जो स्टॉक की स्थिति है वो क्या है, क्रय की जाने वाली वस्तु या सामग्री की प्रकृति किस तरह की है, और बाजार में जो स्टॉक अवेलेबल है उसकी उपलब्धता किस स्तर की है, सामग्री का मूल्य एवं छूट की क्या प्रवृत्ति चल रही है, और अवसर लागत एवं पूंजी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको देखने की जरूरत है। कंपनी के पास स्टॉक का आशय यहाँ पे है कि पहले से ओपनिंग स्टॉक कुछ है क्या हमारे पास। अगर आप बजट कोई बनाने जा रहे हैं तो पहले हम अपने पास के सामग्री की चर्चा करेंगे, उसकी स्थिति देखने का प्रयास करेंगे कि वो है कि नहीं है, क्रय की जाने वाली जो सामग्री है वो उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, वो ऐसा तो नहीं सीजनल है, उसकी उपलब्धता कभी कभी हो पाती है। इन सब चीजों के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए किसी भी बजट को उसको बनाने में। बाजार में स्टॉक की उपलब्धता क्या है, आप अधिक मात्रा में कब खरीदते हैं, उस वक्त खरीदते हैं जब आप देखते हैं कि बाजार में उपलब्धता कम होने वाली है फ्यूचर में, या उसकी उपलब्धता जो है वो सप्लाई कम है और हमें कुछ स्टोरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो बाजार का स्टॉक की स्थिति है उसके बारे में हम जानकारी पहले ले लेते हैं।
सामग्री का मूल्य एवं छूट, उसका प्राइस क्या चल रहा है इस वर्तमान समय में, और छूट वगैरह की क्या स्थिति है, डिस्काउंट वगैरह की क्या स्थिति है, तो सारे मार्केट से रिलेटेड जो टर्म्स है पहले हम उसको उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण है, अवसर लागत एवं पूंजी की उपलब्धता किस तरह की है, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। अवसर लागत और पूंजी की क्या उपलब्धता है, इसको ध्यान में रख के, इन पांच पॉइंट को ध्यान में रख के तब किसी भी बजटरी कंट्रोल की संभावना होती है, बजट का क्रिएशन होता है, और इन सबको शामिल करना ही बजटरी तकनीक कहलाता है। अब दूसरा जो है चुनिंदा वस्तुओं के बारे में है कि चुनिंदा सामग्री किस तरह से हम किस मेथड से उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इसमें ढेर सारे मेथड्स दिए हुए हैं एनालिसिस के, जैसे एबीसी विश्लेषण तकनीक, एबीसी क्या है आगे तुरंत चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें है बीईडी विश्लेषण तकनीक, एचएमएल तकनीक, एफएसएन विश्लेषण तकनीक, एसडीआई, एसओएस एनालिसिस टेक्निक। तो ये जितने आप देख रहे हैं पांच, ये सारे चुनिंदा सामग्री के संदर्भ में है। सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल किस तरह से प्रोडक्ट को एक ग्रेडिंग देके, एक क्लासिफिकेशन करके उसको हम उसका इशू पैटर्न बनाए, उसका मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले हम एबीसी विश्लेषण तकनीक को एग्जाम्पल के द्वारा कुछ गुड़ बातों से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं एबीसी एनालिसिस टेक्निक्स में। एबीसी एनालिसिस टेक्निक्स जो है वो तीन ग्रेड यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, ये तीन तरह की प्रोडक्ट की बात हो रही है। फुल फॉर्म अगर हम देखें इसको तो ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल एबीसी, लेकिन हम ए बी और सी तीनों एक कैटेगराइज करने जा रहे हैं जो मेथड है उसके तहत। हम लोग देखेंगे कि ए ग्रेड की वस्तु में, ए कैटेगरी की वस्तु में कौन से वस्तु आएंगे, बी में कौन से आएंगे और सी में कौन से आएंगे। तो ए जो है उन वस्तुओं को अपने अंदर शामिल करता है जिसमें सर्वाधिक उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं इसमें आती हैं, जो सबसे ज्यादा उपभोग मूल्य हो। हम ये उपभोग मूल्य कैसे निकालेंगे आपको एक एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। मध्यम स्तरीय जो उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं हैं उनको हम बी कैटेगरी में शामिल करते हैं, और सी में कम उपभोग मूल्य वाली या सामान जनरल जो कंजम्पशन की वस्तुएं हैं उनको हम सी में रखते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो हमारी कठोर नियंत्रण की जिसपे जरूरत होती है, मध्यम स्तरीय नियंत्रण की जरूरत होती है और सामान्य नियंत्रण की जरूरत होती है। कठोर नियंत्रण होती है हमारे ए ग्रेड के प्रोडक्ट पे, उनपे ज्यादा हमें कंट्रोल करना होता है क्योंकि उनकी जो मूल्यांकन होती है वो उच्च स्तर की होती है। मध्यम स्तरीय अभी हमने चर्चा किया, तो उसमें थोड़ा सा कम जो है वो मध्यम स्तर का होता है उनका उपभोग मूल्य, और सामान्य में निम्न स्तर का या बहुत कम जो यूज में होती है। एक कोटेशन है कि कौन की चिंता कीजिए पहनी अपनी सुरक्षा स्वयं करेगी, दैट मीन्स टेक केयर ऑफ द पाउंड द पैनी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब आप अगर कठोर नियंत्रण वाले का ध्यान देते हैं
तो सामान में जो है इतना ज्यादा नियंत्रण रहेगा कि सामान में अपने आप हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा कि एबीसी वास्तव में किस पैटर्न पे काम करता है। क्वेश्चन है, अ कंपनी इज कंसीडरिंग अ सेलेक्टिव कंट्रोल फॉर इट्स इन्वेंटरीज यूजिंग द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर एबीसी प्लान। कैटेगरी ए में इन्होंने 4500 एंड अबव टोटल वैल्यू जिसका है उसको रखा है। कैटेगरी बी में 2000 से 4499 टोटल वैल्यू वाले को रखा है और कैटेगरी सी में आप लोग 2000 को। आप देखिए आइटम यूनिट्स एंड रेट पर यूनिट्स ए 1 to 5 और 6 to 10 उसी रो में हमने कॉलम को बढ़ा दिया है ताकि कम जगह में मिल जाए। इसी शीट पे हमें आंसर भी करना है इसका। तो आप देखिए कि आइटम्स फर्स्ट का दे रहा 700 यूनिट 5 रुपए के रेट से और 1100 यूनिट 5 रुपए के, 400 यूनिट 12.5 रुपए के रेट से, 1000 यूनिट 0.30 के रेट से, 500 यूनिट 6.00 के रेट से और छठवां में जो है आइटम्स में 800 यूनिट 3 रुपए के रेट से, 1000 यूनिट 3.10 के रेट से, 500 यूनिट 2.60 के रेट से, 3500 यूनिट 0.40 के रेट से और 500 यूनिट्स जो है वो 9 रुपए के रेट से। तो अगर हम इसको ए बी सी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हुए रखें टोटल वैल्यू के हिसाब से, तो आप देखिए कि कितना सरलता से हम लोग एबीसी को समझ जाते हैं। इनके रखने के पैटर्न से ही हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से काम करता है। तो पहले हम देखते हैं कि हम निकालने क्या जा रहे हैं। निकालने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एबीसी एनालिसिस, उसका स्टेटमेंट देखते हैं। और जो आइटम्स हैं, आइटम्स यूनिट्स एंड यूनिट रेट टोटल वैल्यू, ये हम सबका कॉमन निकालेंगे। जितना हमारा 1 to 10 आइटम्स दिए हुए हैं आइटम नंबर के हिसाब से, लेकिन हम कैटेगराइज जो करेंगे ए बी सी को, आप शीट पे देख रहे हैं कि पहला कॉलम जो है ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा सी के लिए। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 4500 एंड एबव को ए में रखना है एंड 2001 टू 4499 कोर में बी में रखना है और सी में रखना है अप टू 2000। तो पहला हम लेते हैं 700 यूनिट वाला आइटम्स, वो इस तरह से है। 700 यूनिट 5 रुपए के रेट से 3500, आप बताइए किस कैटेगरी में जाएगा। जो हमारा कंडीशन है वो कह रहा है कि 4500 के ऊपर वाले को ही मिलेंगे। तो अगर हम चेक करें तो 4500 के नीचे का अमाउंट है लेकिन 2000 के ऊपर का है, दैट मींस कि इट वुड बी गो ऑन बी कैटेगरी। एंड सेकेंड आइटम्स इज 1100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, टोटल वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज 5500, दैट मीन्स ग्रेटर देन 4500 एंड इट वुड बी कंसिडर ए कैटेगरी, टोटल वैल्यू गोइंग इन ए कैटेगरी। तो हम टोटल वैल्यू जो पहले यूनिट्स का था जिसमें 700 यूनिट थे 5 रुपए के हिसाब से, वो चला गया बी में क्योंकि वो 4500 से कम था। दूसरे में हमने देखा कि 5500 से अधिक हो गया टोटल वैल्यू। वी आर नॉट कंसिडरिंग रेट एंड टोटल यूनिट्स, वी आर कंसिडरिंग ये टोटल यूनिट्स वैल्यू। तो हमें डिफरेंस देखना है कि हमें ऐसा नहीं है कि 10 रुपए के रेट वाला 400 हो, 450 हो और एक 3 रुपए के रेट वाला आपका 3000 यूनिट हो और ये 3000 यूनिट जो है वो ज्यादा हो जाए। तो हमें उसी को जो हमारा टोटल वैल्यू इंक्रीज करेगा लार्ज अमाउंट का होगा उसको हम रखेंगे।
इसी तरह से तीसरा देखिए आप, तीसरे आइटम्स में 400 फुल यूनिट्स हैं और 12.5 के रेट से। अब देखिए यूनिट्स हमारे बहुत कम है, रेट ज्यादा है, इस वजह से 5000 आ गया इसका टोटल वैल्यू। और टोटल यूनिट्स वैल्यू जब आपका 4500 के ऊपर आता है तो उसको ये में रख देते हैं। तो आपको कुल 10 करने हैं। आप देखिए दूसरे में आप देख रहे हैं 1300 आ रहा है, 300 वाले को हम ले जाते हैं कैटेगरी सी में, क्योंकि ये बी और ए के उसमें नहीं आता। फिर आप 500 वाले को 6 रुपए के हिसाब से 3000 आता है, ये 3000 जाएगा आपके कैटेगरी बी में। चौबीस सौ है, ये किस में जाएगा, कैटेगरी बी में जाएगा। छठा आइटम्स देखिए आप, 1000 3.1 3100, ये भी आपका बी में जाएगा। 500 2.6 1300 सी में जाएगा। 3500 0.4, दैट मीन्स टोटल वैल्यू अमाउंट जो शो हो रहा है यहाँ पे यूनिट्स वैल्यू वो 1400 का हो रहा है, 1400 दैट मीन्स की 8 गोइंग सी कैटेगरी में। एंड 10 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 rupees 4500। ये जो है एग्जैक्ट हमारा फॉलो कर रहा है, अगर 1 रुपया भी कम होता तो हम बी में दे देते, लेकिन ये वहीं से स्टार्ट है तो हम वहाँ पे उसको ए के अंतर्गत कैटेगरी में ले जाएंगे। टोटल आप देखिए कि ए का बी का और सी का क्या पोजीशन है, तो टोटल वैल्यू जो 30,000 का यूनिट्स हमारा 10,000 आ रहा है, और टोटल यूनिट्स जो हो रहा है कैटेगरी ए के हो रहा है 2000 मात्र 2000, और अमाउंट अगर आप देखिए तो 15,000 यूनिट्स, बी का देखिए आप 3,000 और टोटल वैल्यू 12,000, कैटेगरी सी का 5,000 यूनिट्स है, उसके यूनिट्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है टोटल वैल्यू वो आ रही है 3,000 का। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि अगर हम क्वेश्चन को देखें कि इसकी कितनी सहभागिता है, इसमें परसेंटेज या टोटल वैल्यू का, हम तीनों का पहले देख लेते हैं, ए बी एंड सी का, तो आप पाएंगे कि तीनों के परसेंटेज पे अगर हम जाते हैं तो कैटेगरी ए का जो परसेंटेज है वो 2000 हमारा यूनिट्स है और 10,000 हमारा अमाउंट है, आउट ऑफ 10,000 टोटल यूनिट्स जिससे हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, टोटल जो यूनिट्स है सबका मिलाते हैं वो 10,000 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 20% ऑफ टोटल 10,000 हमारा आता है, सी में 30% आता है, और जो बी में 30% और सी में 50%। तो परसेंटेज अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्व है परसेंटेज। अब हम कैटेगरी वाइज ही परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू देखते हैं, अगर इंडिविजुअल का, ये तो हमने टोटल का देखते हैं, इंडिविजुअल का अगर हम देखें ए बी सी का, तो ए का देखिए आप 5000 और 10,000 50% वैल्यू की बात हो रही है, हम मटेरियल की नहीं वैल्यू की बात हो रही है। तो पहले वाले का आप एवरेज तो हम अगर वैल्यू टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकालें और ये ग्रेड में जो ये कैटेगरी में हमने
देखा कि टोटल हमारे यूनिट्स जो है वो 2000 थे और हमारा टोटल वैल्यू जो है वो 15000 आया था। तो इसी तरह से हम जो हमारी वैल्यू पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज जो एबीसी की आई हुई है उसको हम टोटल वैल्यू जो हमारा 30000 आया हुआ है उससे निकाल के परसेंटेज टोटल वैल्यू का दिखा सकते हैं। ये की परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो 15000 हमारा टोटल वैल्यू आया है ए का और 30000 तो इस तरह से फार्मूला में रखें 15000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30000 तो इस तरह से 50% हमारा आता है ए का टोटल वैल्यू परसेंट। और बी में इसी तरह से देखते हैं कि 12000 हमारा टोटल वैल्यू है बी का और जो टोटल यूनिट वैल्यू है हमारा वो 30000 है तो 12000 मल्टीप्लाई 100 बाई 30000 इज इक्वल टू 40% जो है वो बी का वैल्यू में शेयर है और सी का जो शेयर है वो है 10%। तो कुल हमने देखा कि यूनिट वाइज परसेंटेज कुछ और है, सबसे कम यूनिट्स जो है वो 20% लेके ए कैटेगरी का प्रोडक्ट मटेरियल हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू जो 50% टोटल वैल्यू लेता है। इसी तरह से यूनिट अगर हम देखें बी का तो 30% बी की यूनिट्स है लेकिन टोटल वैल्यू जो है वो 40% है वैल्यू वाइज अगर देखें तो। और सी में 10% सब आता है टोटल वैल्यू का और टोटल यूनिट्स वैल्यू जो है वो 50% है। ये जो हमारा आउटपुट आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको एक डायग्राम में शो करें, कुल विनियोग की जो 50% धनराशि ये सूची की 20% इकाइयों में लगी हुई है और दूसरा कुल विनियोग की 40% धनराशि बी सूची की 30% इकाइयों में लगी हुई है और सी में हमने देखा कि 10% धनराशि जो है वो 50% इकाइयों में लगी हुई है सी के वस्तु की। और अगर हम इसको एक डायग्राम में ग्राफ के थ्रू दिखाएं तो कुल लागत प्रतिशत में आप वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में कुल इकाइयां प्रतिशत में तो आप देखिए कि 20% ए के लिए शो हो रहा है कुल इकाइयां प्रतिशत में क्योंकि ऊपर हमारा 50% तक जा रहा है, 40% 30% को शो कर रहा है और 50% 10%। तो इस तरह से हमने प्रयास किया एबीसी एनालिसिस को समझाने का। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसी का अगला जो है एबीसी के बाद था बीईडी विश्लेषण। बीईडी एनालिसिस जो है इस तकनीकी का प्रयोग फालतू पार्ट्स तथा अवयवों जो स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स के नियंत्रण में करते हैं उसमें बीईडी का प्रयोग होता है। विटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है और इसको हम इन्हें अगर हम कैटेगराइज करें तो कुल तीन कैटेगरी में इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं जिसमें पहला है विटल अपरिहार्य प्रकार की वस्तुएं, दूसरा है आवश्यक वस्तुएं और तीसरा है वांछनीय डिजायरेबल वस्तु। ये तीन तरह के हम जो हमारे फालतू पार्ट्स या अवयव हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एचएमएल तकनीक जो है ये किस तरह से एक्सप्लेनेशन करता है मटेरियल कंट्रोल के लिए, आइए उसके बारे में बात करें। यह तकनीक एबीसी विश्लेषण की तरह ही है लेकिन कुछ अंतर है इसमें। एबीसी विश्लेषण तकनीक में सामग्री का वर्गीकरण कुल उपभोग मूल्य के आधार पर किया जाता है
अंतर जो है इन दोनों में वो है कि इसमें तकनीक HML तकनीक में इकाई मूल्य के आधार पर किया जाता है, मतलब वहाँ वैल्यू को हम लोग यूनिट्स वाइज वैल्यू की बात कर रहे थे कि उपभोग का जो मूल्य है उस आधार पे हम कैटेगराइज किए, यहाँ पे हम तकनीक में इकाई मूल्य जो टेक्निक्स है उसमें इकाई टेक्नोलॉजी से यहाँ पे संबंधित है कि उसकी स्थिति को जानने का उद्देश्य है। अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें HML को, तो हाई मीडियम एंड लो इसका फुल फॉर्म था। हाई मीडियम लो जो है वो कैटेगरी जो हम बना रहे हैं तकनीक का उसके लिए है, तो उस पे हम जैसे हमने ABC का किया था वैसे ही हाई मीडियम लो इसमें क्लासिफाइड है। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी चौथी FSN एनालिसिस टेक्निक्स। इसमें यह है कि सामग्री की जो विभिन्न मदों के उपभोग प्रारूप के आधार पर जो उसका ट्रेंड है उपभोग का उसके आधार पर हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और उसमें इस तकनीक को अपनाते हैं। इसमें F जो है वो फास्ट मूविंग के लिए है, S स्लो मूविंग और N नॉन मूविंग के लिए। यह तकनीक जो है उस वक्त हम प्रयोग में लाते हैं जब जो हमारा स्टॉक है जो भंडारण है उसकी व्यवस्था जो है वो महत्वपूर्ण ढंग से हो सके, उस वक्त हम इसको FSN एनालिसिस को अपनाते हैं। SDE विश्लेषण तकनीक, SDE विश्लेषण तकनीक जो है वो सामग्री की विभिन्न मदों की उपलब्धता को ध्यान में रखता है और उनकी जो व्यवस्था है उनको किस तरह से व्यवस्थित करके रखा जाए, उसको किस तरह से हम नियंत्रण कर सकें, इसमें इस तकनीक का SDE का प्रयोग करते हैं। इसमें S जो है वो स्केयर्स उन मदों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है या होने में उनको डिफिकल्टी महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कठिनाइयां जो यहाँ पे कठिनाई हो रही है उसको हम D के अंतर्गत रख रहे हैं और जो हमारा E है मतलब स्केयर डिफिकल्ट एंड इजिली अवेलेबल, अगर हम तीनों को ऐसे समझें कि उन मदों को हम स्केयर्स पे रखते हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, डिफिकल्ट मुश्किल से मिलती है और इजी वर्ग में स्थानीय बाजार में सरलता से उपलब्ध होती है। तो हमने देखा कि SOS एक विश्लेषण है, अभी इसका हम लोग देखने का प्रयास करें कि किस तरह से काम करता है। इस तकनीक का प्रयोग माल के क्रय करने की उचित व्यूहरचना तैयार करना, मतलब जो हम माल परचेज करने जा रहे हैं उसका स्ट्रेटजी बनाना उसको इस टेक्निक्स के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत सामग्री की मदों को अगर हम दो वर्गों में बांट दें जैसे मौसमी मदें हैं और दूसरा गैर मौसमी मदें, तो उस आधार पे हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि ऑफ सीजन और सीजनल आइटम्स को हम अगर अलग अलग कर लें। तो अब जो एक पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी, इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको समझ पाए एग्जाम्पल के द्वारा। कुछ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको समझें कि किस तरह से ये काम करता है, समझ जाएंगे तो
इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आदेश की मात्रा के क्रय आदेश की वह मात्रा है, आदेश हम देते हैं जो परचेज के लिए, उसकी यहाँ पे बात हो रही है ओनामी कार्ड की, कि जब हम आदेश की मात्रा कोई देते हैं जहाँ सामग्री की कुल आदेशन लागत जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जैसे हम 1 लाख का ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा तथा कुल वहन लागत और हम टोटल कैरिंग कॉस्ट उसको लाने तक जो हमारे खर्चे होंगे, मतलब दो खर्चे हमें लिखते हैं, एक ऑर्डर देना, दूसरा वहां तक पहुंचने में जो खर्चे होते हैं एक दूसरे के बराबर, और दोनों जो लागतों का जोड़ होता है वो न्यूनतम होता है, जो हमारे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है ये क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं और जोड़ने पे न्यूनतम आता है। मतलब जैसे दोनों लागत है 100-100 रुपया, 100 रुपया हमारा ऑर्डर था, 100 रुपया हम सारे खर्चों को जोड़ के अगर आते हैं दैट मीन्स ये बहुत सही जो है ऑर्डर बना हुआ है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। जो मितव्ययी आदेश मात्रा के निर्धारण की विधि है, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन EOQ, आइए देखते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा के निर्धारण की कुछ विधियां, किस विधि द्वारा हम मेथड ऑफ डिटर्माइनिंग जो EOQ है वो किस मेथड से हम निर्धारित करें, तो कुछ मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे इसमें 3 मेथड्स हैं, तालिका विधि, चित्रण विधि और अंकगणितीय विधि, तो कुल तीनों में से हम लोग एक एक को लेंगे। पहले तालिका विधि देखते हैं, टेबुलेशन में किस तरह से EOQ हम लोग निकालते हैं, मितव्ययी आदेश मात्रा, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। तालिका विधि किस तरह से काम करती है पहले ये हम जाने। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न मांग मात्राओं के लिए तय की जाती है और उनके अनेक जो है वो मांग मात्राओं से संबंधित आदेश लागते वहन लागते निर्धारित की जाती है। मतलब यही जो आदेश मात्रा है उसमें कुल जो भी हमारे खर्च है, जो हमारे ऑर्डर हैं और जो उसको प्लेस करने वाला ऑर्डर है उसकी जो मात्रा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे उसकी मात्रा को तय करते हुए वार्षिक कुल लागत न्यूनतम को देख के उस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस वर्ष में कितने ऑर्डर जो है वो डिमांड हुए, उसका प्लेसिंग ऑर्डर कितना रहा है और जो कैरिंग ऑर्डर उसको कंप्लीट करने में जो कैरिंग आ रहा है एक्सपेंस, वो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये दोनों लगभग बराबर होने चाहिए तभी हम कहते हैं कि ये सही सही काम कर रहा है। तो पहले हम देखें प्लेसिंग ऑर्डर कि वो बराबर है कि नहीं, आइए एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करें तालिका विधि को। क्वेश्चन देते हैं और बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन टेबुलेशन में क्या शो करना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए कि मैन्युफैक्चरर स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी परचेज 1000 स्टील पार्ट्स जो है वो परचेज करती है, 1000 पार्ट्स जो है परचेज करती है एट द रेट ₹70 पर पार्ट्स, मतलब 70 रुपए का पार्ट्स हो रेट के हिसाब से 1000 कुल मिला 70,000 हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एक साल में क्रय करती है, द कास्ट पर परचेज ऑर्डर दैट इज कास्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि उसको दो डिवाइड कर रहा है कि 35% जो है वो प्लेसिंग ऑर्डर है, तो टोटल कितना है, टोटल है हमारा 70, प्लेसिंग ऑर्डर को आप देखिए पर ऑर्डर के हिसाब से
वो है 35। दिस इंक्लूड द नॉन कैरिंग कास्ट, एग्जाम्पल क्लरिकल कास्ट, पोस्टेज, स्टेशनरी, रेलवे प्लांट एक्सेट्रा इसमें शामिल है। द कैरी कास्ट पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 7 रुपये जो है वो पर यूनिट के हिसाब से है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% ऑन 70 रुपीज 70 जो दिया हुआ है, 8% 5.60 एंड रेंट टैक्स इंश्योरेंस एंड चार्जेस 1.40। इस तरह से टोटल 7 रुपये हमारा आना चाहिए। आइए हम लोग इसका टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे दोनों कैरिंग कास्ट और हमारा प्लेसिंग कास्ट ये दोनों बराबर जहाँ पे आएंगे वहीं पे हम लोग मानेंगे कि ये हमारा जो है EOQ उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो आइए देखते हैं इसका टेबलेशन। द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर साइज वुड बी दैट वेयर द कैरिंग कास्ट इज इक्वल टू नॉन कैरिंग कास्ट एज डिपिक्टेड बिलो। आप देखिए कि हम लोग नीचे जो है वो कुछ एक प्रोफार्मा में इसको करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कितने ऑर्डर जा रहे हैं, ऑर्डर हम इंक्रीज करेंगे रेट के हिसाब से, फिर हम देखेंगे कि क्या अंदर आता है। यूनिट पर ऑर्डर दैट इज ऑर्डर साइज, क्या यूनिट्स होगा हमारा, सो स्टार्टिंग 1000 यूनिट्स है 70 रुपये के हिसाब से। कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हमारा दैट इज ₹35 ईच, आपने देखा एडजस्टमेंट में आया हुआ है कि द कास्ट पर परचेज ऑर्डर दैट इज कास्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर वाज आउट टू बी ₹35। इसको हमें ध्यान में रखना है कि 35 हमारा वो कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट अगर हम इसको ABC देते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें फार्मूला कैसे करना है। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट बी डिवाइड बाई 2, यूनिट बी हमारा देखिए यूनिट पर ऑर्डर जो है उसी में हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, जैसे 1000 है तो जो हमारा एवरेज आएगा वो आएगा 500। कैरिंग कास्ट ₹7 पर यूनिट, अब डी जो डी है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स उसका हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करके कैरिंग कास्ट निकालेंगे और टोटल कास्ट देखेंगे सी प्लस ई कितना आता है। सी और ई जहाँ पे एग्जैक्ट इक्वलेंट है वहीं पे हम लोगों को देखना है कि वो ई और सी का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। तो हम सबसे पहले 1000 को लेते हैं, और रेट कैरिंग कास्ट हमारा 35, इस तरह से बी में हम 2 से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए और हमारा 500 आता है, मल्टीप्लाई 7 करते हैं 3500। अब देखते हैं कि सी प्लस ई जो फॉर्मूला हमारा कह रहा है सी प्लस ई, तो 35 35 हमारा टोटल कास्ट आएगा इसका। अब हम ऐसे ही ऑर्डर पर ईयर बढ़ाते जाएंगे अपने सुविधा के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार। अब देखिए ऑर्डर 2 करते हैं 500 हो जाएगा, 1000 का ऑर्डर 1 बीजिए या 500 का 2 बीजिए। कास्ट ऑफ प्लेसिंग आपका 35 × 2 = 70, इसमें 2 का करेंगे 250 हो जाएगा और इसका भी आधा हो जाएगा और हम 70 और ये इसमें मल्टीप्लाई 7 करके देखते हैं 1750 आता है, 1750 + 70 = 1820 आएगा। फॉर्मूला के हिसाब से ही चलते हैं। अगर हम ऑर्डर को उसी 1000 को ही डिवाइड करते हैं, अब जैसे हम तीसरा ऑर्डर देखिए 4 ऑर्डर दे रहे हैं तो 250 का हो जाएगा, 1000 × 4 के उसमें भाग कर दे रहे हैं। ध्यान देना है कि आपको कितने पे ले जाना है ऑर्डर को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनाने हैं जिसका कि हमें कास्ट ऑफ प्लेसिंग एंड
कैरिंग कास्ट इक्वल देता है, ध्यान हमको में नहीं देना है। तो चौथे में आप देखेगी ये अगर हम 1000 को 4 में डिवाइड करें तो 250, 250 के 4 ऑर्डर हो जाते हैं, हमें 1000 को ध्यान में रखना है। कहीं से हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं और ये बनता जा रहा है। अब हम कॉस्ट प्लेसिंग आपका 35 के हिसाब से आपका 1000 पर यूनिट कॉस्ट प्लेसिंग ऑर्डर जो था वो 35 के हिसाब से था, जब 2 ऑर्डर होता है तो 70 हो जाता है, 4 ऑर्डर होता है तो 140 हो जाता है, और हमारा जो एवरेज है उसका आधा हो जाएगा, तो हमें डिवाइड करना है। इस तरह से 7 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 875 प्लस 140 हमारा 1015 टोटल आ जाता है। पांचवें ऑर्डर में देखें हम कि कुल 8 ऑर्डर हम देने जा रहे हैं, 125 का यूनिट का एक ऑर्डर है यहाँ पे, और 280 हमारा 35 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 280 आएगा, और जो एवरेज है वो 62.5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 437.5 प्लस 280 करेंगे तो 717 आ जाएगा। तो 10 ऑर्डर करते हैं तो हम देखते हैं कि 100 का 10 ऑर्डर होता है, 1000 ऑर्डर 1000 यूनिट्स को हम क्या किए थे, एक बार में दिया था हमने, अभी 10 को 100 यूनिट के हिसाब से कर दिया हमने, तो ₹350 का प्लेसिंग ऑर्डर आता है, और कुल चूंकि 10 ऑर्डर है तो ये आपका कितना हो जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 80 अगर हम देखें तो डी कितना हो जाएगा, डी हमारा b/2, तो अगर हमारा 100 है तो उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा हमारा, और ई जो है वो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे उसमें तो इस तरह से वो 350 आएगा, और 350 प्लस आपका 350 ये 700। यहीं पे अब देखिए कि 10वां ऑर्डर जो हमारा है वो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट को बराबर कर देता है, जो हमारा उद्देश्य था इसको जानना। अब आप आगे बढ़ाते जाइए इसको, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 12 कर दीजिए तो 83 यूनिट्स का हो जाएगा, अगर इसको हम 20 कर दें तो 50 यूनिट का ऑर्डर हो जाएगा, अगर हम इसको 50 यूनिट का कर दें तो 20 का ऑर्डर हो जाएगा, और फिर आप देख रहे हैं वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, सी और ई में काफ़ी डिफरेंस होता जा रहा है। तो हम एक जो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाएंगे करिए और यूनिट्स हमारा सेम रहेगा 1000, और हमने देखा कि 10 ऑर्डर रखते हैं तो दोनों बराबर आते हैं। तो इस पे जो इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है वो 100 यूनिट्स पर ऑर्डर, दैट इज 10 ऑर्डर इन द ईयर, एट दिस पॉइंट द कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नॉन कैरिंग कॉस्ट बोथ बीइंग रुपीस 350 एंड द टोटल कॉस्ट आप रुपीज 700 बींग द लोएस्ट ऑफ ऑल द कास्ट इज मोर आर लेस देन 100 यूनिट्स आर ऑर्डर इन ईच लॉट, द टोटल कास्ट इन ईच केस कुड बी हायर। अगर हम इसको एक ग्राफ के द्वारा आपका योक्यू शो करने का प्रयास करें तो अब देखिए ऑर्डर साइज अगर दे दीजिए एक साइड में और ऑर्डर साइज को आप देखिए यूनिट्स और ऑर्डर साइज को हम लोग चूंकि 50 तक गया था तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, उसी टेबल को हम यहाँ ग्राफ में शो करना चाह रहे हैं। किस पॉइंट पे काटता है यूनिट्स हमारा जो होता है ऑर्डर में उसको देखना है हमें, 100 यूनिट्स होते हैं उस ऑर्डर में और 10वां हमारा होता है
अब देखिए जो लोएस्ट टोटल कास्ट है यहाँ पे एनुअल टोटल कास्ट, एनुअल कैरिंग कास्ट, एनुअल नॉन कैरिंग कास्ट, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पे 350 पे। तो ये हमने शो करने का प्रयास किया कि जब 100 यूनिट्स के 10 ऑर्डर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि 350 हमारा कैरिंग और नॉन कैरिंग कास्ट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, अभी हमने किया भी था कि इस विधि के अंतर्गत आदेशित लाभों के वक्र ग्राफ पर उनके मूल्यों से चिन्ह सूचित किए गए हैं, प्रत्येक वक्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ता है। अतः जहाँ पर यह दोनों वक्र आपस में दूसरे को काटते हैं वह बिंदु पी ओ क्यू को शो करता है। अब जो दूसरा विधि था यहाँ पे अंकगणित टेबलेशन वाला, हमने टेबलेशन देखा, चित्रण देखा, ग्राफ देखा, और तीसरा जो देखने जा रहा है वो अंकगणित विधि जिसमें कि हम फार्मूला बेस्ड इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। एग्जांपल वही है, सेम लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। पी ओ सी इज इक्वल टू, अगर हम उसको क्यू क्वान्टिटी में देखें तो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई सी, प्लेसिंग ऑर्डर नॉन प्लेसिंग ऑर्डर। तो जहां आर एनुअल रिक्वायरमेंट्स इन यूनिट्स शो कर रहा है, सी ओ कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, सी ओ यहाँ पे कास्ट ऑफ प्लेसिंग और ऑर्डर शो कर रहा है आदेश देने वन पर, और सी एम एनुअल कैरिंग कास्ट पर यूनिट यहाँ पे जो कैरिंग कास्ट है उसको शो कर रहा है सी एन। तो प्रति इकाई वार्षिक मान अर्थात मान लागत मल्टीप्लाई प्रति इकाई का मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। तो इस तरह से टू मल्टीप्लाई फॉर्मूला में टू दिया हुआ है और जो है वो यूनिट्स आपके एनुअल रिक्वायरमेंट्स इन यूनिट 1000 और कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आपका 35 है, 10% ऑफ 57 क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने देखा कि 70,000 अंडर रूट 7 फिर अंडर रूट 10,000 और इसको हम करते हैं तो 100 यूनिट्स इन 10 ऑर्डर आपका कैलकुलेशन हो जाता है और वो कीजिए में आप जाता है। अगर हम जो हमने प्रश्न लिया है उसके उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देने की कोशिश करें तो प्रश्न जो था उसमें प्रति इकाई मान लागत 7 रुपये को औसत स्टॉक से गुणा किया गया है। इसमें जो आपका फॉर्मूला है 1000 इकाइयों वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी, अतः जो 1000 यूनिट्स तक प्रश्न डिवाइड 500 होगा और इसमें 7 से गुणा करेंगे हम 3500 रुपये जो है वो हो जाती है, जो कि तालिका से स्पष्ट होता है हमारा जो टेबल में हमने किया था उसको यहाँ समझाने का कोशिश किया। अब सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड लेवल ऑफ मटेरियल, सामग्री न तो अति भंडारण हो और न न्यून भंडारण, अतः संग्रहार में रखे स्टॉक प्रत्येक मत का अधिकतम स्तर मैक्सिमम लेवल जो होना चाहिए वो न्यूनतम स्तर तथा आदेश बिंदु का होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल और ऑर्डर पॉइंट का होना चाहिए। अगर हम इसको निकालें कि ये निकलता कैसे है मैक्सिमम मिनिमम और ऑर्डर पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरह से, मैक्सिमम लेवल के लिए हम ऑर्डर पॉइंट माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम प्लस एस्टिमेटेड ऑर्डर क्वांटिटी और री ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो है फॉर्मूला है। मैक्सिमम लेवल के लिए ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूजेस ब्रैकेट में और रेट मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ऑर्डर पॉइंट क्या होता है, 3 का जिक्र हमने किया, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल और ऑर्डर पॉइंट।
ऑर्डर पॉइंट मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम और किसी में एक और है डेंजर लेवल लगा होता है एवरेज यूजेज रेट मल्टीप्लाई इमरजेंट लीड टाइम और एवरेज स्टॉक लेवल होता है वो मिनिमम लेवल मल्टीप्लाई हाफ ईओसी ईओक्यू का या रीऑर्डर उसका आधा अगर हम करके दोनों को जोड़ते हैं मिनिमम लेवल को और ईओक्यू का जो हाफ करते हैं उसको जोड़ते हैं तो एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल उनको प्राप्त हो जाता है। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम जो निरंतर स्टॉक का निरीक्षण परीक्षण करते हैं उसको कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि कैसे होता है। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली जो है वो नियंत्रण विभाग द्वारा रखी जाए अभिलेखों की वह प्रणाली है जो स्टॉकों के भौतिक आवागमन को तथा उनके वर्तमान शेषों को प्रतिबंधित करता है करती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि परपेचुअल इन्वेंट्री जो है वो जो भी फिजिकली आवागमन है उसको उसके अवशेष को निकालने के बाद इसको हम ध्यान कर देते हैं। अब स्टॉक की धीमी गति से खपत का ज्ञान किस तरह से ज्ञान होता है इसको भी हम फार्मूला लेकर देखें। स्टॉक का जो आवर्त होता है रोटेशन ऑफ स्टॉक एक अवधि में उपयोग किया गया स्टॉक अवधि के अंत में शेष स्टॉक जो बचा हुआ कच्ची सामग्री का अगर हम आवर्त देखते हैं अवधि में उपयोग की गई सामग्री डिवाइड बाय अवधि में रखी गई सामग्री जो आपने उपभोग किया है और जो उस दौरान रखा हुआ है दोनों से डिवाइड करके देखते हैं। और निर्मित माल का आवर्त जो है वो अवधि में बचा गया निर्मित माल को हम डिवाइड करते हैं अवधि में रखा गया औसत निर्मित माल और ऐसे ही स्टॉक आवर दिनों में अगर हम देखें तो अवधि में स्टॉक का मूल्य मल्टीप्लाई अवधि के दिन और इसको हम डिवाइड करते हैं अवधि में उपयुक्त सामग्री का मूल्य। लास्ट में एक फॉर्मूला इसमें और है स्टॉक का आवर ऊपर हमने देखा स्टॉक का आवर्त जो था वो एक अवधि में उपयोग किया गया स्टॉक था यहाँ पे अवधि में उपयोग किए गए स्टॉक के मूल्य से हम निकालते हैं उसका वैल्यूएशन करके तो दोनों में अंतर है जहाँ वैल्यूएशन दिया रहेगा उसका स्टॉक का वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे और जहाँ पे सिर्फ उपभोग का मात्रा दिया होगा वहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे। नियंत्रण का रेशियो जो कंट्रोल रेशियो है यह कुल दो प्रकार के होते हैं स्टॉक आवर्त अनुपात और निवेश उत्पादन अनुपात। निवेश उत्पादन अनुपात जो है वो उत्पादन कार्य में डाली गई कच्ची सामग्री का जो अनुपात वास्तविक अनुपात उत्पाद में पाई गई कच्ची सामग्री से होता है मतलब उत्पादन कार्य में जो भी हम रॉ मटेरियल्स प्रयोग में ला रहे हैं उसका वास्तविक उत्पाद में पाई गई कच्ची सामग्री से होता है वह निवेश उत्पादन अनुपात कहलाता है। ये हम रेशियो हम लोगों ने निकालने का प्रयास किया इनपुट आउटपुट रेशियो निवेश उत्पादन अनुपात को अगर हम ज्ञात करें इनपुट यूनिट्स डिवाइड बाय आउटपुट यूनिट्स मल्टीप्लाई 100 इससे हम कंट्रोल रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग सभी हमने जो टेक्निक्स थे जो रेशियो थे जो मेथड्स थे लगभग हमने कोशिश किया वो एग्जांपल देकर के टेक्निकल हो या थ्योरी एग्जांपल हमने अपने स्तर से इसको समझाने का प्रयास किया। आशा है आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टॉक के कंट्रोलिंग मेथड्स काम करते हैं और तकनीक जो है वो किस तरह से काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।